नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं, ऐसे में व्रत का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि व्रत के आचरण से तन और मन की शुद्धि, पापों से दूरी, धर्म के प्रति समर्पण आदि की प्राप्ति होती है। वैदिक काल में कई ऐसी कथाएं हैं जिनमें ऋषि मुनियों के कठोर तप व व्रत का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि व्रत ईश्वर के समीप पहुंचने का एक रास्ता है। उपवास और त्याग से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यूं तो व्रत करने का वैज्ञानिक कारण भी है। उपवास से हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, इससे सारे पेट की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। साथ ही पेट में जमा हुआ ही नहीं बल्कि पचा हुआ कचरा भी निकल जाता है। लेकिन आजकल के लोग उपवास के नाम पर भर भर के बाजारों से मिलने वाली व्रत की थाली का लुत्फ उठा रहे हैं, जिससे न सिर्फ उपवास का उपहास हो रहा है बल्कि बीमारियों को भी दावत दी जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। नवरात्रि हो या करवा चौथ, जन्माष्टमी हो या सोमवार मंगलवार या गुरुवार का फास्ट या फिर रमजान, देश में आस्था से जुड़े त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए और उनकी आराधना करने के लिए तमाम उपवास लोगों द्वारा रखे जाते हैं। उपवास को केवल विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता बल्कि ये स्वास्थ्य को भी काफी फायदे पहुंचाता है। लेकिन आजकल व्रत के लिए अलग अलग रेसिपी नेट पर देखने को मिलती है। लोग व्रत के दौरान विशेष प्रकार के पकवान बनाकर खाते हैं और खिलाते भी हैं। कई लोग तो व्रत से पहले ही व्रत में खाने वाली चीजों की तैयारी भी कर लेते हैं, जैसे फलहारी थाली, सिंघाड़े की नमकीन, बर्फी, साबुदाने का पुलाव, कुट्टू की सब्जी, कुट्टू के पराठे, कच्चे केले की टिक्की। अब ऐसे में जब किसी को इतने सारे पकवान व्रत के दौरान खाने को मिले तो कौन व्रत रहना नहीं चाहेगा। असल में लोगों ने व्रत के नाम का मजाक बना दिया है। व्रत रहने का अर्थ होता है स्वास्थ्य, कर्मकांड या धार्मिक या नैतिक उद्देश्यों के लिए उपवास यानी कि भोजन और जल दोनों से परहेज करना। ये परहेज क्षमता अनुसार कम या अधिक समय के लिए रखा जा सकता है। व्रत का जितना धार्मिक महत्व होता है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी होता है। विज्ञान के अनुसार व्रत धारण करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है। व्रत के दौरान भोजन नहीं किया जाता है, कुछ अल्पाहार लेकर ही पूरा दिन बिताया जाता है। इससे व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक रहता है और पाचन तंत्र की क्रियाएं मजबूत बनी रहती हैं। व्रत रखने से व्यक्ति के शरीर में मोटापा और कोलेस्ट्रॉल काबू में रहता है। क्या आप जानते हैं कि व्रत आपके मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मस्तिष्क की एक्टिविटीज बढ़ जाती है। पेट खाली रहने के कारण भोजन भी पूरी तरह से पचा रहता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह अधिक हो जाता है। व्रत आपका ध्यान केंद्रित रखने और नए विचारों को पैदा करने की क्षमता में भी सुधार करता है। इसके अलावा एक दिन का व्रत फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वजन घटाने में भी आसानी होती है। ये ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मददगार होता है। तो आप तक इस जानकारी को पहुंचाने का हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप स्वस्थ बने रहें और अपने खाने पीने का ध्यान रखें।